हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी लव। आज मैं आपके साथ टमेटो केचप की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे मैंने बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना केमिकल के और बिना फूड कलर के बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी है। टमेटो केचप को बड़े हो या बच्चे, सभी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। बच्चे इसे पराठा के साथ भी खाते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg टमेटो लिए हैं। इसे हम कट कर लेंगे। एक मीडियम साइज प्याज लेंगे, 6-7 लहसुन की कली लेंगे। इन सबको हमने अच्छे से पका लेना है। याद रखिए, टमेटो केचप बनाते समय पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसमें 2 चम्मच विनीगर डालेंगे। विनीगर डालने से टमेटो केचप खराब नहीं होता है, हम इसे कई महीनों तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट ढककर पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। देखिए, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाए, हमें इसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए, पेस्ट बन चुका है। अब हम इस पेस्ट को छन्नी से छान लेंगे अच्छे से। हमें इसे छानना जरूरी है, क्योंकि टमाटर का जो भाग बचा है वो छन्नी में ही रह जाएगा। टमाटर प्यूरी बिल्कुल तैयार है। देखिए, अब हमें इसे पकाना है। ये केचप मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं किया है। चीनी की जगह मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच नॉर्मल नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप केचप तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमने इसे 5 मिनट के लिए पकाना है और साथ में चलाते रहना है। ये देखिए, सॉस एकदम गाढ़ा हो चुका है। चलिए अब हम इसे निकालते हैं। केचप बनकर तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। आप इसे घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। यकीन मानिए, बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।